प्रीशियस, प्राइसलेस, वाकई ये टाइम के लिए कहा जा सकता है। वाकई टाइम जो है ना वो प्रीशियस भी है और प्राइसलेस भी है। टाइम के साथ कोई नहीं मिल सकता ना उसकी, उसको जब हम वेस्ट कर लेते हैं तो वो वापस भी नहीं आता। गया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता है, किसी कीमत पे वापस नहीं आता है। और हम लोग दिनों, महीनों, सालों ये सोचने में लगा देते हैं मैंने फलां काम करना है, कोई अच्छा दिन शुरू होंगे, कोई अच्छा टाइम आएगा तो करेंगे। कब वो अच्छा टाइम? अभी है, जब आपने सोचा है तो समझे आपका अच्छा टाइम था तो आपने ये बात सोची है, और आपका वो टाइम उसी टाइम से शुरू हो जाता है जब आप ये बात करते हैं। लेकिन हम लोग बस सोचने में, बैठे रहने में, घंटों ये अफसोस करने में, हमारे साथ बुरा हो गया, हमारे साथ ऐसे हो गया, ये ना होता तो हम यहाँ होते, हम ये कर लेते, हम स्टडी में आगे बढ़ जाते, हम बिजनेस कर लेते, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। यार जो गुजर गया उसको रोने की बजाय अगर आप आगे बढ़ते हो, आगे जा के कुछ देखते हो, सोचते हो, तो उसके जैसी कोई नेमल बदल आपको नहीं मिल सकता। टाइम पे काम करना बहुत बड़ी बात है। बहुत लकी लोग हैं जिनको ये सोच समझ आ जाती है कि टाइम वेस्ट करना सिवाय खसारे के कुछ भी नहीं है। बैठे रहना, अफसोस करते रहना। अब एक बात सोचें मेरी, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात मान के देखें कि हमारे साथ कुछ ट्रेजडी होती है, अगर हम बैठ के उस पर घंटों अफसोस भी करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा भी नहीं होता। हमारे अपने भी परेशान होते हैं, हम खुद भी परेशान रहते हैं, अजियत में रहते हैं। अगर हम उसी टाइम को किसी अच्छी चीज़ में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को सीधा रास्ता दिखाने में यूज़ कर दें, या फिर हम कोई ऐसा अपना एम जो है जो पहले हम अचीव करना चाहते थे और वो नहीं कर सके, अगर हम उसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दें तो क्या वो बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि हम बैठ के अपने आप को कोसते रहें, बुरा भला कहते रहें, और अपना जो गुजरा हुआ टाइम है उस पर, उस टाइम पे अफसोस करते करते ये भी ना पता चले कि जो हमारे पास टाइम था वो भी गुजर गया, उसके बाद सिवाय पछतावे के, खसारे के, हमारे हाथ ही कुछ ना लगे। तो बेटर देन कि हम पहले ही उस टाइम की कदर जान लें, हम उस टाइम को टाइम अपने हाथ में कर लें और उसकी अहमियत को जान जाएं, अपने मकसद को बना लें, कोई मकसद बना लें जिसके ऊपर हमने चलना इजी लगे। प्लीज़ अपने टाइम की कदर कीजिए। टाइम जो है वो कभी वापस नहीं आता, किसी की लाइफ में भी वापस नहीं आता। हो सकता है जो आपके अपने आपके साथ हैं आने वाले दिनों में वो आपके साथ ना हो, तब आप ये अफसोस कर रहे हो कि शायद मैंने उस टाइम पे जब सोचा था तब ये काम कर लेता तो हो सकता मेरे अपने भी देख लेते या वो मेरे साथ होते तो वो कितने खुश होते। हम लोग कभी कभी सोच की ऐसी इंतहा पे जाते हैं, हम इर्द गिर्द को भूल जाते हैं, हम रियलिटी को भूल जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि जो लाइफ है हमारे पास ये टाइम का भी वेट नहीं करती। पता नहीं हमारे पास कितनी मोहलत है, कितनी नहीं है, और चुपचाप भी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अच्छे काम में यूज़ करते हो, अपने ज़िंदगी का एक मकसद बनाते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम बैठ के इस चीज़ का अफसोस करते रहें कि हमने टाइम को गवा दिया। तो इस बात पे हम बिल्कुल फरामोश कर जाते हैं कि जिस टाइम पे बैठ के हम ये सोच रहे हैं ये टाइम भी हम वेस्ट कर रहे हैं, ये टाइम भी हमारा वेस्ट हो रहा है, इसमें भी हम कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। प्लीज़ अपने टाइम को बचाइए, अपने आप को बचाइए, और अपने आप की अहमियत को जानिए, अपने अंदर की स्ट्रगल को, अपने अंदर की कोशिशों को जारी कीजिए, अपने अंदर की जो विल पावर है उसके साथ टाइम, अपनी मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ना सीखें और टाइम पे अपना काम करना सीखें। सालों, महीनों, दिनों भी बैठे रहे ना तो कुछ भी नहीं बनता है, जब तक कि इंसान खुद से कोशिश ना करे। कोशिश खुद ही करनी पड़ती है, कोशिश के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। और आप जिस काम के लिए कोशिश करते हैं और जितनी कोशिश करते हैं और जितनी नियत, नेक नियति से करते हैं ना, वो काम उतना ही इजी होता जाता है। शुरू शुरू में लगता है वो काम डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आपने देखा होगा ना कि जब एक घर बनना स्टार्ट होता है तो शुरू में जब वो वहाँ पे खाली प्लाट के ऊपर जाके खड़े होता है इंसान, तो इंसान को लगता है कि ये कैसे मैं इसको इकट्ठा करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो घर बनना शुरू हो जाता है, एक उसकी शेप आना शुरू हो जाती है, एंड पे आके वो जिस तरह की हम चाहते हैं उसको शेप देना, जिस तरह का डिज़ाइनिंग करते हैं वो चीज़ बन के खड़ी हो जाती है। ठीक ऐसे ही ड्रेसिस का भी यही हाल होता है। तो लाइफ भी ऐसी है, शुरू में बिखरी हुई भी लगती है, कुछ लगता है हमें कि हम डिफ़िकल्टीज़ में उलझे हुए हैं, हम ये चीज़ को पता नहीं कैसे कर पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए
थोड़ा 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 करके अगर डेली सोचने से कि मैं कल से करूँगा या मैं फलां दिन से करूँगा की बजाय अगर आप अपने टाइम काम को 10 मिनट भी डेली अपनी नेक नियति से देना शुरू करेंगे ना, तो दिन ब दिन वो आपके मिनट्स भी बढ़ते जाएंगे और वो आपके काम की शक्ल भी निकलती आती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप कहते हो, ओहो मैंने तो ऐसे ही सोचने में इतना वक्त लगा दिया, ये तो बहुत ईजी था और मैं कर सकता था। और ये हर बंदा कर सकता है, हर बंदे में एबिलिटी होती है। प्लीज़ इस पर एक दफ़ा मेरे कहने पे करके मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और